वीर अपने पापा राजेश के साथ रहता था। अपने माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने अभी अभी एक नए दो मंजिली घर में शिफ्ट हुए हैं। घर के आसपास का माहौल बहुत शांत था। घर से लगभग आधी मील तक कोई और घर नहीं था। असल में वीर को ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं था, इसलिए उनके पापा ने वैसी जगह में घर लिया था। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि उनके नए घर का एक काला इतिहास भी था। कुछ लोगों ने वीर के पापा को बताया कि वो घर हॉन्टेड है, लेकिन वीर और उनके पापा को ये बातें महज अंधविश्वास लगता था। हालांकि जल्द ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगे, जिससे वीर के पिता सोच में पड़ गए थे। एक शाम जब सूरज ढलने लगा, वीर अपने कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था, जबकि राजेश नीचे अपने सामान ठीक कर रहा था। अचानक वीर को अपने कमरे में हवा का एक ठंडा झोंका महसूस हुआ, जिससे उसके खिलौने अपने आप चलने लगे। घबराकर वीर अपने पापा को आवाज लगाते हुए नीचे भागा। वीर ने अपने पापा को सारी बातें बताई, पर उनके पापा ने ये वीर का वहम कह के टाल दिया। लेकिन तभी दोनों ने घर के ऊपरी मंजिल से कदमों की आहट सुनी। कदमों की आवाज तेज और करीब होते चले गए और देखते ही देखते पूरे घर में गूंजने लगे। वीर के हाथ पकड़ के राजेश धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगे। अचानक ऊपर के एक कमरे से एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज आई। साहस जुटा के वीर को देखे उसके पापा उस रूम की तरफ जाने लगा जहाँ से वो आवाज आ रहा था। वो लोग जाके उस रूम के अंदर पहुंचे। वो कमरा अस्वाभाविक रूप से ठंडा था। इतने में अचानक बहुत आवाज करके उनके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। उस कमरे में रोशनी बहुत कम थी। उस रोशनी में उन्होंने एक टिमटिमाती हुई छाया को दीवारों के साथ चलते देखा। उनके सामने धीरे धीरे एक छोटी लड़की की शरीर जैसी कुछ दिखने लगी। कान लगा के सुना तो उसने अपनी दुखद कहानी का खुलासा किया कि कैसे उसने वर्षों पहले उसी घर में अपनी दम तोड़ी थी। वो इंतजार कर रही थी कि कोई उसकी उपस्थिति को स्वीकार करे और शांति पाने में उसकी मदद करे। उसने कहा कि उसकी शरीर अभी भी उसी घर के बेसमेंट में थे। वीर आगे बढ़ के उस लड़की के साथ बात करने लगे। उससे कहा कि वो उसके आत्मा को जरूर मुक्ति देगा। ये सुन के वो लड़की का शरीर गायब हो गया। धीरे धीरे उस रूम का वातावरण स्वाभाविक होने लगा। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। इसके बाद तुरंत वीर के पापा ने लोकल पुलिस को कॉल लगाया। पुलिस के छानबीन से एक अधगला शरीर उनके बेसमेंट से बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि लगभग 13 साल से उस लड़की का मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज था। पुलिस के परमिशन से वीर के पापा ने पूरे नियम से उस लड़की के दाह संस्कार किए। इसके बाद कभी भी वीर और उसके पापा को उस घर में किसी और की उपस्थिति महसूस नहीं हुआ।